कि विपक्षी विधायकों ने जो सदन के अंदर किया था वह भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। जिस तरह से इन लोगों ने आसन पर चढ़कर तांडव किया था, कोई भी इसको सही नहीं कह सकता है। जो कार्रवाई भी की गई है वो अध्यक्ष महोदय ने कमेटी बनाई थी उसके हिसाब से कार्रवाई की गई है। ये सारा मामला तो सरकार के अंदर आता ही नहीं है, तो ये लोग तो बिना मतलब में सरकार को घसीट रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, और इनसे बात करते हैं कि सर, जिस तरह से सदन में विधायकों के साथ बदसलूकी की गई थी और अब उन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार लीपापोती करने का काम किया है। देखिए, सदन में जो कुछ भी हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। कड़े शब्दों में हमने इसकी निंदा पहले भी की थी, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है विपक्ष के लोगों को कि विधानसभा परिसर के अंदर अगर कुछ भी होता है तो ये सब जो सभापति होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनके अंदर आता है यह पूरा मामला। बिना उनके परमिशन के कोई भी कार्रवाई सदन के अंदर नहीं हो सकती है, वहाँ सरकार का कोई हस्तक्षेप होता ही नहीं है। ये विपक्षी विधायकों ने जो सदन के अंदर किया था वह भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। जिस तरह से इन लोगों ने आसन पर चढ़कर तांडव किया था, कोई भी इसको सही नहीं कह सकता है, लेकिन जो सुलूक हुआ हम उसकी भी निंदा करते हैं। तो जो कार्रवाई भी की गई है वो अध्यक्ष महोदय ने कमेटी बनाई थी उसके हिसाब से कार्रवाई की गई है। अभी दो लोगों को निलंबित किया गया है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। तो अब अगर ये लोग आरोप सरकार पर लगाते हैं तो इनकी संवैधानिक समझ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है कि आपको संवैधानिक समझ तो होनी चाहिए ना कि जब तक स्पीकर नहीं चाहेंगे तब तक तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, और आगे भी अगर कुछ होना है। अब जैसे देखिए, आचार समिति के पास मामला गया हुआ है, कई विधायकों ने भी जो बदसलूकी की थी या उनका जो रवैया रहा था, वीडियो फुटेज देखी जा रही है, तो आचार समिति भी निर्णय लेगी कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो विधायक हैं उन पर भी। तो यह सारा मामला तो सरकार के अंदर आता ही नहीं है, तो ये लोग तो बिना मतलब में सरकार को घसीट रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। और दूसरा कि स्पीकर किसी दल विशेष के नहीं होते हैं भाई, सब लोग मिलकर उनको चुनते हैं और उनका काम होता है पक्ष विपक्ष में समन्वय स्थापित करना, और उनकी पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है। इस तरह से अभी की हुई कार्रवाई पर शुरुआत में ही क्वेश्चन मार्क उठाकर ये लोग दिखा रहे हैं कि इन लोगों को स्पीकर महोदय पर भरोसा नहीं है। इसका क्या मतलब है भाई, आप आसन का अपमान कर रहे हैं या आप आसन पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? ये सारी चीज़ें तो इनको स्पष्ट करनी चाहिए, सरकार का इसमें कोई लेना देना है ही नहीं। अब बात करें जनगणना की, तो आप ही के एनडीए के हिस्सा जितना मांझे हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है। उनका कहना है कि अगर कोई किसी को जहाँ पर सम्मान नहीं मिल रहा है तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, ये मांग कोई नई नहीं है, यह मांग तो पहले से भी हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने भी इस बारे में अपना मंतव्य स्पष्ट किया है। हमारी पूरी पार्टी का भी ऐसा ही मानना है कि जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट है वो तो प्रकाशित होनी ही चाहिए। देखिए, कोई भी योजना जब केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से चलाई जाती है तो उस योजना के लाभ का आधार क्या होता है, जाति विशेष ही होता है ना, कि इस जाति से इतने लोग आते हैं तो इनको इस अमुक योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो हर जाति के लोगों को यह हक है कि वो जान पाए कि उनकी संख्या कितनी है, ताकि किसी में भी कोई असंतोष का भाव नहीं आए कि भाई हम इतने पिछड़े हैं, हमारे पास सुविधाओं का इतना अभाव है तो हमको क्यों नहीं मिल रहा है। और बिहार विधानसभा में दो बार इसको लेकर प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। तो हमारी मंशा तो इस चीज़ को लेकर एकदम स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि यह रिपोर्ट प्रकाशित हो, लोगों को इस बात की पूरी जानकारी मिल पाए। हमारी तरफ से यह मांग शुरू से रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भवन बनाने की कवायद कहा जाए तो बहुत तेज है जेडीयू में, क्या लगता है कि किसके हिस्से में ये? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है मुझे लगता है कि वही थोड़ा अलग है। मतलब कवायद तेज है, ऐसा तो जेडीयू के किसी सीनियर लीडर ने, शीर्ष नेतृत्व ने कभी नहीं कहा है। कयास लोग लगाते हैं, कयास लोग लगाते हैं राजनीतिक महकमे में, लोग कयास लगाते हैं मीडिया जगत में, लोग कयास लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में परिवर्तन होना है नहीं होना है, कब कमेटी बनती है नहीं बनती है, यह सब पार्टी, किसी भी पार्टी का यह आंतरिक मामला होता है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कब क्या चीज़ होनी चाहिए।